हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप तुसी सारे ठीक होवोंगे। अज दी क्लास दे विच असी ऑर्बिट क्लास थर्ड दी बुक दा फर्स्ट चैप्टर रीड करांगे, द लाइफ ऑफ इनर पीस। अंदरूनी शांति दी लाइफ बारे दसांगे कि अंदरूनी शांति किवें मिलदी आ। लोंग लोंग अगो, बहुत समय पुरानी गल आ, देयर वॉज अ किंग, एक राजा सी। ही रूल्ड फॉर 15 ईयर्स, बट हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वरीज एंड टेंशन। एक राजा सी, उन्हें 15 साल राज किया, बट उसकी लाइफ जिहड़ी सी अलग अलग तरीकों दीआं चिंतावां नाल घिरी रहिंदी सी। समटाइम्स फैमिन, समटाइम फ्लड्स, समटाइम डिसीज़, ऑल वर ट्रैवलिंग द किंग अ लॉट। किसे टाइम अकाल पै जांदा सी, किसे टाइम हड़ आ जांदे सी, कदे उहनूं भयानक बीमारियां दा जिहड़ा डर सी उह सतांदा रहिंदा सी। इन द कोर्ट ऑलसो, ते कोर्ट दे विच वी, द मिनिस्टर्स ऑलवेज फाउट अमंग दैमसैल्फ, वो जिहड़े मंत्री सी उहदे, वो एक दूजे नाल लड़दे रहिंदे सी। एवरीबडी वॉन्टेड द किंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हर कोई चाहता सी कि जो राजा से उन्होंने प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करे। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, तो इन सब तो उपर, देयर वॉज अ कॉन्सटेंट थ्रैट ऑफ अटैक फ्रॉम द नेबरिंग किंग्स, कि जिहड़ा उन्हों एक सब तो उपर वह जो सब तो ज़्यादा खतरा उन्होंने सी कि लगातार यही डर रहा कि वह जो नेबरिंग गुआढ़ी जोड़े राजे आते हमला ना कर देन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, ये नतीजे वजो द किंग कुड नॉट स्लीप, ईट एंड इंजॉय लाइफ प्रॉपरली, जेडे राजे दी ना तो खा पाता सी, ना सौ पाता सी, ना ही अपनी लाइफ में इंजॉय कर पाता सी। ही डिड नॉट फील हंगरी, उन्हें भुख भी नहीं सी लगती। एट द टेबल ऑल द टेस्टी डिशिज वर लेड, बट ही डिड नॉट लाइक एनी, वो टेबल पर कई चीज़ा जो स्वादिष्ट सी पईया होंदिया सी, पर उन्हें कोई भी चीज़ जी पसंद नहीं सी। वन डे ही सॉ हिज गार्डनर टेकिंग हिज फूड अंडर अ ट्री, उन्हें एक दिन देखा कि जिहड़ा उहदा माली सीगा उन्हें रो ट्री दे नीचे दरख्त दे नीचे बैठ के खाना खाधा। ही वॉज ऑड ईटिंग सिंपली थिंक चपातीस विद रॉ अनियन एंड मैंगो पिकल, वो जिहड़ा आदमी सी उन्हें मोटी जी रोटी सीगी ते नाल कच्चा प्याज ते नाल अंब दा अचार सी उहदे नाल खा रहा सी। ही वॉज इंजॉइंग इट, ते उहनूं भी इंजॉय कर रहा सी। एंड आफ्टर दैट ही स्लिप्ड अंडर द ट्री, ते उहदे तों बाद उहने खाना खाधा और फिर वह सो गया। द किंग इन वेड हिज साउंड स्लीप, उन्हें वो मतलब उन्होंने बहुत ही बुरी लग रही थी जी साउंड स्लीप सी सुते पे की गहरी नींद जरा सुता सी। आफ्टर थिंकिंग अलॉट, बहुत ज़्यादा सोचने बाद द किंग सेंट फॉर हिज गुरु, किंग ने अपने गुरु को संदेश भेजा। द किंग वेलकम्ड हिम एंड टुक हिम इन टू हिज रूम, उन्होंने उन्हें वेलकम किया तो उन्होंने अपने कमरे में लै गया। ही एक्सप्लेन द होल प्रॉब्लम, उन्हें उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम वरना मतलब व्याख्या की कि मैनू की प्रॉब्लम, एंड आस्क फॉर द सोल्यूशन, तो उन्होंने पूछा कि यदा की उपाय हो सकता। द गुरु सुजैसटिड, गुरु ने सुजैसट किया, गिव योर थ्रोन टू योर सन, कि जिहड़ी तेरी जिम्मेदारी का भार आ तू अपने बेटे नू दे दे, एंड लीव अ कॉमन मैनस लाइफ, तो एक आम आदमी की जिंदगी जीनी शुरू कर दे। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज माई सन इज स्टिल द चाइल्ड, उन्हें कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा जिहड़ा बेटा वो अजे छोटा है। ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई किंगडम, तो वो मेरे राज की देखभाल नहीं कर सकता। रिप्लाइड द किंग, उन्हें जवाब दिता रिप्लाई। द गुरु सैड दैन गिव इट टू मी, तो मैन उन्हें गुरु ने कहा कि फिर मैनू दे दे। द किंग लाइट द आइडिया, उन्हें उन्होंने विचार चंगा लग्या, एंड ही हैंडड ओवर द किंगडम टू हिज गुरु, तो उन्हें अपना जो राज भाग से वह गुरु के हवाले कर दिता। द गुरु आस्क्ड वट विल यू डू फॉर अर्निंग अ लिविंग, उन्हें कहा कि तू अपनी जिंदगी जीन वास्ते की करेगा। आई शैल गो टू द नेबरहुड किंगडम एंड स्टार्ट अ बिजनेस देयर, आंसर द किंग, उन्हें कहा कि मैं गुआढ़ी राजे विच जावांगा तो उत्थे जाके अपना बिजनेस शुरू करांगा। द गुरु ऑब्जेक्टेड, गुरु ने इतराज किया, वाई डू यू वॉन्ट टू सैटल इन अ नेबरहुड किंगडम, बी इन माई स्टेट, कहिंदे कि तू क्यों दूजे राज विच जाना चाहुंदा, तू मेरे स्टेट मेरे राज विच ही रह। बट पीपल नो मी, तो कहिंदा कि मैनूं लोग जानदे। एक्सप्लेन द किंग, किंग जिहड़ा राजा सी उहने किया। द गुरु एक्सप्लेन दैट इट डिड नॉट मैटर एट ऑल, कि हुण इहदा कोई मतलब नहीं हैगा कि तू राजा सी जां लोग तैनूं पछाणदे सी। पीपल विल बिकम हैबिचुअल, कि उन्हां नूं आदत पै जूगी, उन्हां नूं जाण चुके ने कि तू राजा नहीं हैगा। फाइनली द किंग अग्री टू एंड ही सैड, फाइनली राजा मन गया तो उन्हें कहा गिव मी 50,000 gold coins, कि उन्हें कहा कि मैंने 50,000 जो गोल्ड सोने दी मोहर दे दो, दैट आई कैन बिगन माई न्यू लाइफ पीसफुली, ताकि मैं अपनी जी नवी जिंदगी उन्होंने बहुत पीसफुली तरीके जीना शुरू कर दाँ। आई द गुरु इमीडिएटली रिमाइंडड हिम, तो उन्होंने रिमाइंडड याद करवाता गुरु ने
सन यू आर नो लोंगर द किंग, तो कि हुण तू राजा नहीं है। यू कैन डू अ जॉब, तो तेनों नौकरी करनी पैनी है। यू नीड नॉट हैव एनी मनी फॉर इट, तो तेनों ये लिए कोई मनी की जरूरत नहीं हैगी। द किंग एग्रीड, तो जिहड़ा राजा सी वो सहमत हो गया। द गुरु आस्क, गुरु ने कहा वट काइंड ऑफ विल यू डू, कि तू किदां दी जॉब नौकरी करनी पसंद करेगा। यू कैन प्लो माई फील्ड एज अ फार्मर, तो कि तू मेरे जिहड़े खेत आ उन्हां नूं एक किसान की तरह वाहना शुरू कर दे। कट ग्रास एज अ गार्डनर, तो ग्रास नूं जिहड़ा घाह वा उहनूं कट्टणा शुरू कर एक माली की तरह। ले ब्रिक्स एज अ मैसन, कि मैसन की तरह जिहड़ियां कंधां बनाउणियां शुरू करेगा। और फाइट अगेंस्ट एंड माई एनिमी एज अ सोल्डर, तो जां सोल्जर की तरह मेरे जिहड़े एनिमीज़ नाल लड़ना लड़ेगा। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम सोचने तो बाद किंग रिप्लाइड, तो राजे ने कहा आई डोंट नोट नो प्लोइंग, मैनू प्लोइंग करनी भी नहीं आती, गार्डनिंग और मैसनरी करनी भी नहीं। मोर एवर फाइटिंग एज अ सोल्डर मीनस अगेन फेसिंग द बैटल गार्ड, कि वह कहता कि जे तेरे सोल्जर बन जाना वा तो मैं फिर एक बार दोबारा ही वो जंग के मैदान का सामना करना पेगा। डैथ, तो जिहड़ियां उत्थे मौत होंगी वह भी देखनियां पैनियां। आई कैन नॉट डू एनी जॉब, मैं कोई नौकरी नहीं कर सकता। द गुरु सैड आई नो वेरी वैल विच जॉब कैन यू डन बाय यू, उन्हें कहा कि मैं बहुत चंगी तरह जानता कि तू कि नौकरी कर सकता। सी आई एम अ साधु, कि मैं साधु। आई शैल रिटर्न टू माई फॉरैसट हट, मैं अपने जंगल वाली हट में जाना। आई नीड अ सर्वेंट हू कैन लीव इन दिस प्लेस, तो मैं इतने एक जरूरत है नौकर की जरा इतने रवे। सीट ऑन द थ्रोन एंड टेक केयर ऑफ माई किंगडम, तो मेरी जगह पर बैठे तो मेरे राजभाग को संभाले। दिस विल बी योर ड्यूटी, तो यह तेरी ड्यूटी होएगी। द किंग हैप्पली अग्रीड टू डू दैट ड्यूटी फॉर हिज गुरु, तो उन्हें कहा कि बहुत वह बहुत खुश न अपने गुरु की जी ड्यूटी करने लिए मन गया। दैन द गुरु रिटर्न टू द फॉरैसट, तो जोड़ा गुरु से जंगल भी चले गया। एंड द किंग कॉन्टीन्यू हिज ड्यूटी, तो जो राजा से उन्हें अपनी दोबारा ड्यूटी करनी शुरू कर दी। देयर वॉज हार्डली एनी डिफरेंस, कि ये बहुत ही मुश्किल नाल डिफरेंस ही, बट द किंग हैड बिकम फ्री ऑफ द बर्डन ऑफ रिसपोंसिबिलिटीज, कि वो यदी जिम्मेवारी तो जोड़ा मुक्त हो गया। एंड वरीज बिकॉज ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ गुरु, क्योंकि हूँ काम भावें सारा करता से पर उन्होंने यह कि मैं गुरु का सर्वेंट हाँ, तो वह बहुत खुश से इस चीज़ के। आफ्टर सम मंथ, कुछ मंथ महीनों बाद द गुरु विजिटिड द कोर्ट, जोड़ा ये गुरु से और राज दरबार में आया। द किंग रिस्पैक्टफुली मेड हिम सिट ऑन द थ्रोन एंड ही हिमसैल्फ स्टूड बिसाइड, कि उन्हें उन्होंने जी राज सिंघासन से वह बैठने लिए कहा तो आप ही खड़ा हो गया। द गुरु आस्क, गुरु ने कहा हाउ इज़ यूअर हंगर एंड स्लीप, उन्हें कहा कि हूँ तेरी भुख तो तेरी नींद किमें। आई इंजॉय माई मील एंड स्लीप वैल, कि मैं अपना खाना खाना तो हूँ बहुत चंगी तरह सौना, उन्हें आंसर दिता राजे ने। द गुरु एक्सप्लेन, गुरु ने कहा लुक एवरीथिंग इज़ एज बिफोर, कि सारा कुछ उदा ही है जिमें पहला सी अर्लीयर, जिमें पहला सी। यू मेड वर्क एज ए योर बर्डन ऑफ वरीज एंड नाओ यू कंसीडर इट एज योर ड्यूटी, कि पहला तू वरीज करता बर्डन रहा तेन 24 घंटे चिंतावान का, पर तू हूँ इनू एक अपनी ड्यूटी की तरह निभाना। सो यू इंजॉय योर लाइफ, तो हूँ तू अपनी इंजॉय जी लाइफ है उन्होंने इंजॉय कर। टेंशन मैंटल और इमोशनली स्ट्रैस, टेंशन के जो असं मैंटली तो इमोशनली स्ट्रैस फील करते हैं टेंशन कहते हैं। फैमिना एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, जो फूड की बहुत कमी हो जाती है। कॉन्सटेंट कंटिन्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के खत्म होने तो बाद। थ्रैट समथिंग लाइकली टू कॉज डैमेज और डेंजर, किसी खतरे का हमेशा ही उन्होंने सोचते रहना। इनवेड बिकम जेलस, बहुत ज़्यादा जेलस करना। थ्रोन स्पैशल चेयर फॉर किंग्स एंड क्वींस, जेडे उन्होंने राज सिंघासन। मैं उम्मीद है तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आएगी, जे तुम्हें मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।